एलिस ने फैज साहब के लिए अपना मजहब, जबान, तहजीब, सकाफत सब छोड़ दिया और पहले हिंदुस्तान और फिर पाकिस्तान चली आई। कहते हैं एलिस फैज साहब के शेरी ख्वाबों की तजसीम थी। फैज और एलिस का निकाह अक्टूबर 1941 में हुआ और ये निकाह मशहूर सियासी रहनुमा शेख अब्दुल्ला ने पढ़ाया। आने वाली सौबतों में एलिस ने खुद को फैज की जिंदगी में एक नेमत साबित किया। मेरे ख्याल में शायद उन्हीं की एक स्ट्रेंथ थी जिसने उनको ये इस बात पे आमादा किया कि उन्होंने इस केस को लड़ना है, उनका शौहर बेगुनाह है, उस पर ज्यादती हो रही है और बच्चों को भी पालना है। कोई लॉयर केस लेने को तैयार नहीं होता था और इस किस्म की बातें थी सारी। अंग्रेजी में कहते हैं ना दैट बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन इज़ अ ग्रेट वुमन। तो मेरे ख्याल में मेरी एक बहुत अच्छी अब्बा की बहुत अच्छी दोस्त हैं तो कहनी लोग फैज नू देखते ना, फैज के पीछे एलिस नू कोई नहीं देखता। असीरी के दौरान फैज साहब को इलाज की गर्ज से तांगे पर जेल से बाहर ले जाया गया। फैज साहब ने इस सफर के दौरान अपने दर्द को आफाकी बनाते हुए नज्म के कालिब में ढाला। अहले हकम ही नहीं, कुदरत भी जेल में फैज साहब का जज्बाए बर्दाश्त आजमा रही थी। बरसों बाद अपने बड़े भाई तुफैल से मिलने की आरजू लिए फैज बहुत खुश थे कि सिर्फ एक दफा वो डिजेक्टेड हुए जब उनके बड़े भाई उनसे जेल में मिलने आए और बाहर गए तो उनको हार्ट अटैक हो गया। हैदराबाद मिलने आए थे और वहाँ उनको इंतकाल हो गया, उनके भाई का, बड़े भाई का। उसके बाद उनको उसका बहुत बुरा असर उनके ऊपर हुआ और फिर उसके बाद वो काफी अरसे तक बहुत डिप्रेस्ड रहे। वतन से गद्दारी के इल्जामात तो हमेशा से जबर पर उस्तवार निजाम के खिलाफ लड़ने वालों पर लगते ही रहे हैं। यही तीर फैज साहब पर भी चलाए गए मगर हकीकत यह है कि वतन के दो लख्त होने का रंज उन्हें बहुत आजुर्दा करता था। फैज साहब बड़ी मशरक पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत थी, ढाके में उनके बहुत दोस्त अहबाब थे और बहुत, तो जब ये सुकूत ढाका हुआ तो उनको बड़ी तकलीफ पहुंची, बहुत वो अफसरदा हुए। एक दिन फैज साहब को किसी दोस्त से मिलने क्लब जाना था। वो आगा साहब के पास होटल पहुंचे और आगा साहब से उन्होंने क्लब जाने की फरमाइश की। दोनों होटल से निकलकर क्लब की तरफ चल पड़े। वो बहुत दिल गिरफ्तार थे और बार बार एक मिसरा पढ़ रहे थे। तो एक उन्होंने कोई नज़्म गई थी बड़ी पहले कि मेरे वतन तेरे दामाने तार तार की खैर, वो बार बार वो मिसरा पढ़ रहा है। तो मैंने कहा ये, कहने का हमने तो ये आज से 10-12 साल पहले कही थी, मैं क्या पता था कि हमारे मुल्क पे ये आफत आएगी और ये वक्त पड़ेगा हमें। क्लब जाकर फैज साहब एक कोने में लगकर बैठ गए जबकि आगा साहब उनके दोस्त को ढूंढने निकल गए। वापस आए तो क्या देखते हैं कि फैज साहब सर झुकाए टिश्यू पेपर्स पर एक रुबाई लिख रहे हैं और वो पहली रुबाई थी उनकी जो सुकूत ढाका पे या मशरक़ पाकिस्तान के अलमिये पे थी और वो मैंने उनसे लिए और उनको फिर नकल करके दी थी। वो कागज़ मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। वो उन्होंने लिखा था कि पहला कता था उनका ही कि निशान राह थी मंजिल हर एक तलाश के बाद, छुटा ये साथ तो रह की तलाश भी ना रही, मलूल था दिल आईना हर खराश के बाद, जो पाश पाश हुआ कि खराश भी ना रही। शौक का इम्तहान जो हुआ सो हुआ, जिस्म जा का जिया जो हुआ सो हुआ, सूद से बेशतर है जिया और भी, दोस्तो मात में जिस्म जा और भी तलख तर इम्तहान और भी। मुझे मालूम है कि जब बैरूत से वो यहाँ आए तो इंडिया में एक बहुत बड़ी पार्टी हुई, उसमें उनको दावत दी गई। वहाँ कहा गया कि फैज साहब
पाकिस्तान की फौजी हुकूमतें आपके साथ बुरा सलूक करती हैं, आपको जेल में डाल देती हैं, आपके ऊपर मुकदमे चलाती हैं, तो आप इंडिया में क्यों नहीं आ जाते? यहाँ पंडित नेहरू ने आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाने की दावत दी थी, तो आप यहाँ आ जाएं, यहाँ आपको हर किस्म की सहूलत मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छी रिहाइश मिलेगी, तो वैसे भी आप इंडिया को पसंद करते हैं। तो उन्होंने आके बात जो की, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमारी महबूबा सही, मगर पाकिस्तान हमारी मनकूआ है। राशिद की फैज साहब से हम जलीसी भी थी, रफाकत भी, और किसी हद तक रकाबत भी। गवर्नमेंट कॉलेज में दोनों हम असर भी थे। जदीद शायरी में राशिद और फैज का तकाबली जायजा दो बड़े अदबी मकतबा फिक्र की नुमाइंदगी करता है, यानी अदब बराए अदब और अदब बराए मकसदियत। जो राशिद की तरबियत थी वो ज्यादातर फारसी की तरबियत, इसलिए उनकी नज्मों का जो बैकग्राउंड है वो दास्तानवी है, वो तलमिहाती है, वो एक असातीरी है। फैज के सामने कुछ बुनियादी तरजीहात थी, वो तरजीहात ये थी कि वो जिस नज़रिए के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उनके लिए वो नज़रिया उनकी अंदर रच बस गया था, तो वो उसी नुक्ते नज़र से जिंदगी की खिड़की को खोल के देख रहे थे। अब महकूमों के पांव तले धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी। लाजिम है कि हम भी देखें। नजरियाती शायरों का मसला ये होता है बिलूम कि उनका लहजा बहुत बुलंद आहंग होता है, जैसा कि उनके हम असरों का था, बल्कि फैज साहब को अपने हम असरों पर, तरक्की पसंद हम असर जो हैं उन पर ये एतराज़ था कि ये एजिटेशनल शायरी करते हैं या एहतजाजी शायरी। वो इसके कायल हैं कि ये भी हो, एहतजाज भी होना चाहिए शायरी में, लेकिन ये कि जो कदरें हैं शायरी की उनका भी शऊर और एहसास होना चाहिए लिखने वाले के यहाँ। फैज साहब फिक्री एतबार से मार्क्सी दानिश्वर थे और तरक्की पसंद मुसन्निफीन की अदबी तहरीक के रूहे रवां भी थे, मगर हाल ही में लिखी गई उनकी सवाने में लुद्विला विसिल्वा ने मौकफ इख्तियार किया है कि फैज साहब ने अहमद नदीम कासमी के एक मजमून पर, जो कि इकबाल के खिलाफ था, एहतजाजन उस तहरीक को छोड़ दिया था। मेरा ख्याल है ये बुनियादी